अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंथली एक्सपेंसेस कितने रहते हैं एक इंसान के सऊदी अरबिया में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और शेयर भी करना। चलिए करते हैं आज का वीडियो भी स्टार्ट। लेट्स गो। मंथली एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे सऊदी अरब में, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको, अगर आप जॉब करने के लिए आती हो सऊदी अरब में, तो जो आपकी अकोमोडेशन है, जो आपका ट्रांसपोर्ट है, जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, वो मोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी ही प्रोवाइड करती है। तो अब हम बात करेंगे पर्सनल एक्सपेंस पे। तो पर्सनल एक्सपेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इंटरनेट। अगर आप पर्सनली यूज करोगे यहाँ पे इंटरनेट मंथली, तो आपको मंथली 100 to 200 रियाल स्पेंड करने पड़ेंगे, जो कि इंडियन करेंसी के मुताबिक 2000 to 4000 हो जाएंगे। अब आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि दैट्स अ बिग अमाउंट, हमारा जो इंटरनेट अमाउंट है, हमारा जो इंटरनेट एक्सपेंस है, वो ज़्यादा ही है। बट यहाँ आके आपको अब कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक रूम में 3 से 4 बंदे हो या एक फ्लैट में 12 पर्सन हो, यू हैव टू बाई वाईफाई। आपको एक वाईफाई की ज़रूरत है, आपको अब वाईफाई खरीदना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो आपकी पर्सनल इंटरनेट एक्सपेंस है, वो डिक्रीज हो जाएंगे। वो जो आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस 100 to 200 रियाल एक मंथ में जाती थी, अब आपको वाईफाई की वजह से 20 to 40 रियाल ही हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपको वाईफाई ही खरीदना पड़ेगा इधर आके। दैट मीन्स कि जो आपको खर्चा होता था, अगर आप पर्सनली इंटरनेट यूज करोगे, एक ही बंदा यूज कर सकता है, दैट मीन्स कि 100 to 200 रियाल आपको स्पेंड करना पड़ेगा। बट अगर आप उसके बजाय आप वाईफाई खरीदोगे, आप तो एक तो 12% यूज करेंगे और आपका जो खर्चा है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप पर्सनल इंटरनेट यूज करोगे, तो आपका जो खर्चा है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 100 to 200 रियाल से बेहतर है कि 20 to 40 रियाल ही हम स्पेंड करेंगे इंटरनेट के एक्सपेंस पे। तो अब हम देखेंगे फूड एक्सपेंस क्या रहते हैं सऊदी अरब में या किसी और गल्फ कंट्री में। तो जब हम जॉब करने के लिए आते हैं, फूड या प्रोवाइड बाई कंपनी होता है या फूड अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो जो फूड अलाउंसेस कंपनी ने आपको दिए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 200 to 300 रियाल कंपनी ने प्रोवाइड किया, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। अब आपका जो भी लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, वो आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको अब खुद ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट कैफेज में किया, तो लंच एंड डिनर रेस्टोरेंट्स में किया, तो दैट मीन्स कि आपका खर्चा ज़्यादा ही हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो 200 या 300 रियाल कंपनी ने आपको दिए, दैट्स नॉट एनफ। सो अब आपको कंप्रोमाइज यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर आप 4 बंदे हो रूम में, दैट मीन्स कि यू हैव टू बाई गैस, आपको गैस खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खुद ही अपने लिए खाना बनाना है। दैट मीन्स कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप 4 बंदे हो, 4 बंदे मिलकर आपको यहाँ पे आपको खाना बनाना पड़ेगा। एकोमोडेशन में एक रूम होता है, एक किचन होता है, वहाँ पे आपको खाना बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपके जो भी खाने में चीज़ें लगती है, सब्जी वगैरह एक्सेट्रा, जो भी आपको पता ही है, वो आपको उन्हीं अलाउंस में स्पेंड करने पड़ेंगे। तो अगर आप बाहर खाओगे, तो जो आपको फूड अलाउंसेस कंपनी ने दिए, दैट मीन्स कि उससे आपको ज़्यादा ही खर्चा हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि यहाँ पे भी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यू हैव आपको अब खुद ही जो आपको ब्रेकफास्ट है, जो आपका ब्रेकफास्ट है, जो आपका लंच है, डिनर है, खुद ही बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है आपके, वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे अपना जो पर्सनल लाइफस्टाइल रहता है। अगर आप बाहर जाते हो हफ्ते में घूमने के लिए, या किसी और जगह बीच वगैरह, या किसी हिस्टोरिक प्लेस पे, यहाँ पे सऊदी अरब में है किसी, तो वो फिर पर्सनल खर्चा रहता है। डिपेंड्स अपॉन द पर्सन के वो कितना, उसके पास कितना बजट है, उसके पास कितना कुछ इनकम है, वो जाता है उसी हिसाब से घूमने के लिए। दैट मीन्स कि ये एक आइडिया होता है। तो अब आप शॉपिंग करोगे, शॉपिंग वगैरह ये पर्सनल रहता है। तो ये डिपेंड्स अपॉन द पर्सन के, अगर आप नेटिव प्लेस में हैं, तो वहाँ पे आप कैसे कुछ लाइफस्टाइल है, तो फिर यहाँ पे आपको जो आपका लाइफस्टाइल है वो चेंज रहता है। दैट तो अब हम बात करेंगे आपका जो लाइफस्टाइल है, वो उस पर क्या कुछ एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में अगर आप अगर आप किसी शॉपिंग पे जा रहे हो, वहाँ पे आपको जो ट्रांसपोर्ट है, जो आपको वो किराया है, वो खुद ही आपको पे करना पड़ेगा। यानी जो आपका पर्सनल है, अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो, अगर आप कुछ या किसी पिकनिक पे जा रहे हो, दैट मीन्स कि जो आपके गुड्स है, जो आपके वट एवर खर्चे आएंगे, वो आपके ही एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ये डिपेंड रहता है कि आपकी इनकम पे। दैट मीन्स कि आप डेली पे
आप पिकनिक नहीं जा सकते हो, आप डेली बेस पे किसी और जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स कि ये जो सारी एक्सपेंस है ये यहाँ पे फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाकी जो भी एक्सपेंस रहते हैं ये डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, ये पर्सन पे डिपेंड करता है आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा कुछ खास है, आपके आपका जो इनकम है वो क्या कुछ खास है। अगर आप डेली बेस पे शॉपिंग करोगे, डेली बेस पे कुछ बाहर से खाओगे, डेली बेस पे ट्रैवल करोगे, तो ये डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपेंस पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कितना कुछ एक्सपेंस रहते हैं, बट मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि क्या कुछ कितना कुछ खर्चा हो जाएगा आपको एक महीने में, एक मंथ में। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको एकोमोडेशन, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, तो जो आपका खर्चा है वो ज़्यादा नहीं रह जाएगा, वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बिकॉज आपका जो भी एक्सपेंस रहेगा वो आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करेगा। आप कितना ट्रैवल करोगे, आप किधर कुछ क्या जाओगे, कितना खर्चा करोगे, कितना कुछ खाओगे, तो वो डिपेंड करता है अपॉन द पर्सन, पर्सन कितना कुछ खर्चा गए। बाकी कुछ इधर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को जरूर शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पेज को फॉलो करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।